hello my dear friends you are most welcome at study is platform and for daily the da hindu analysis you can follow aman sirs the hindu analysis and for answer, uh, for a special rating session for the hindu and other newspapers you can follow this session okay so let's we start today um, 15 october 2019's news तो माय डियर फ्रेंड्स कौन कौन सी न्यूज़ हमारे आज काम की थी तो उसको हम देखेंगे तो इसमें फर्स्ट न्यूज़ है तुर्की एंड सीरिया तो इससे रिलेटेड क्या बातें हैं इसका यूपीएससी में कुर्द लड़ाकों से संबंधित एक क्वेश्चन आ चुका था प्री में दो में फिर इंडिया नेपाल एंड चाइना इससे संबंधित हम सेकेंड टॉपिक देखेंगे ये मेंस के लिए हमारे काम आ सकता है फिर हम थर्ड टॉपिक देखेंगे एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ये क्या है इससे संबंधित दे, देखेंगे ये इंडियन एक्सप्रेस के पेज नंबर ट्वेंटी पे था तो द हिंदू में केवल दो ही न्यूज हमारे काम की थी उसके बाद एक हमने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है फिर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये दैनिक जागरण पेज नंबर वन से लिया जिसके ऊपर यूपीएससी दो टू थाउजेंड में प्रीमी क्वेश्चन था फिर फिफ्थ नंबर का हमारा है आज सी एस सी पी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज रहेगा इसमें यूपीएससी 2018 थाउजेंड एटीन में प्रीमियर क्वेश्चन था फिर हमारा सिक्स नंबर का क्वेश्चन रहेगा टॉपिक रहेगा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिससे वो टॉपिक रहेंगे जो हमारे ऑलरेडी कवर किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एंड ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान एंड ब्लैक सी रेड सी एंड सी ये हमारा एक, एक, एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमने लिया है मैपिंग के डेली हम लगभग लगभग एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सी रेड सी से कौन कौन से कंट्रीज लगते हैं और इससे रिलेटेड करंट इवेंट कौन कौन से हुए हैं तो यूपीएससी 2019 में इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया है तीनों को मिलाकर तो उसके बाद हमारे रहेंगे क्वेश्चन पेपर मीन्स क्वेश्चन तो हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं आज ओके तुर्की सीरिया इससे रिलेटेड पहले भी बहुत बातें हो चुकी है बस हमको इतना से याद रखना कि सीरिया में आज जो द हिंदू पेपर पे पेज नंबर इलेवन पे जो आता आई है वो है सीरिया में आठ साल से ग्रह युद्ध चल रहा है और हमको पता है कि गृह युद्ध किस किस के बीच में एक जो असद सरकार है जो वहां का प्रेजेंट में अभी राष्ट्रपति सीरिया का और साथ में किसके विरुद्ध उसके विरुद्ध का कुर्द कुर्द लड़ा के अपने कुर्दिस्तान के लिए लड़ रहे हैं अपनी नागरिकता के लिए लड़ रहे हैं अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं और बहुत सारे जितने भी कुर्द हैं चाहे आप सीरिया में ले लो सीरिया के अलावा ईरान इराक आर्मेनिया और तुर्की ये पांचों देशों के मिलाकर वो क्या बनाना चाहते हैं एक अपना खुद का देश कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं तुर्की ने क्या है ऑपरेशन पीस स्प्रिंग स्टार्ट किया है तो ये इसलिए कि जितना भी तुर्की और सीरिया की जो बाउंड्रीज़ मिलती है तुर्की का जो साउथर्न पार्ट है और सीरिया का नॉर्थर्न पार्ट उसमें तीस किलोमीटर का एक पीस जोन बनाना चाहता है ताकि वहाँ पर रिफ्यूजी को लाया जा सके तो इसका बस एक एजेंडा है किसका तुर्की का सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स कुर्द लड़ा जो कुर्दिस्तान की मांग करते हैं किस कौन कौन से देश हैं मैंने पहले भी बताया ईरान इराक तुर्की सीरिया एंड आर्मेनिया और पिछले के वीडियोज़ में इस पर काफ़ी बातें हो चुकी हैं कहाँ कहाँ कौन सी सिटीज़ काम की है वो यू में पूछा जा सकता है इंडिया नेपाल एंड चाइना तो सी जिनपिंग साहब हमारे इंडिया में आए थे यहाँ आने के बाद उन्होंने नेपाल में विजिट किया है तो नेपाल में क्या हो रहा है ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर बनेगा मीन्स तिब्बत से नेपाल को जोड़ने वाला तो ये कहा जा गया इस राइटर के द्वारा कि जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया गया उसी तरह ये किस ओर बढ़ रहे हैं चाइना नेपाल इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलेटरल मतलब द्विपक्षीय सुरक्षा जो सहयोग है वो दोनों के बीच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ने नेपाल है वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन कर रहा है वन चाइना पॉलिसी का मतलब ताइवान को चाइना का भाग बताता है थर्ड हमारा टॉपिक है एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तो जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी है उसका कोई विवाद है तो विवाद से संबंधित कोई भी सुनवाई होगी तो किस में जाएगा एनसीएलटी जैसे गवर्नमेंट ने आपको पता हो तो बहुत अच्छे से कि कोई भी कंपनी है अगर वो किसी बैंक से लोन ली है और वो लोन को समय पर नहीं चुका रही है तो बैंक और उस कंपनी में क्या हो जाता है विवाद हो जाता है तो बैंक अपना पैसा वापस करने के लिए कंपनी को बोलती है और कंपनी नहीं चुकाती तो हो सकता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बिकाओ हो जाए या बिक जाए उसकी बोली हो या नीलामी लगाए उसी के लिए एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्सी कोड 2016 लेके आए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक क्रप्सी का मतलब क्या है इंसॉल्वेंट का मतलब है जब कोई भी कंपनी अगर बैंक से ऋण ली है और वो उसको नहीं चुकाती है इसका मतलब वो इंसॉल्वेंट हो गई इसमें यह नहीं बोल रही कि वो पैसा चुकाने लायक है या नहीं वो हम नहीं बात कर रहे हैं सिर्फ क्या देखना है कि बैंक को नहीं चुका रही है बैंक क्रप्सी में क्या होता है बैंक क्रप्सी का मतलब होता है कि जो कंपनी पैसा ली थी बैंक का वो चुकाने लायक रही नहीं है मीन्स उसके पास इतना पैसा रह, रहा ही नहीं है जो बैंक को पैसा चुका दे तो उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा बैंक क्रप्ट और उसके बाद क्या होगा कंपनी की नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी मीन्स उसकी जो सी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका लिक्विडाइजेशन मतलब तरलीकरण इसका मतलब होता है उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी उसको बेचो और बैंकों का भुगतान करो तो यह प्रक्रिया करने के लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती है कहा एनसीएलटी में केस लड़ा जाता है जब एनसीएलटी अनुमति देती थी कि हाँ आप कर लो इस कंपनी को बेच दो और इसका जो पैसा आए उससे बैंकों का पैसा लौटा दो लेकिन अब आगे देखते हैं कि एनसीएलटी के डिसीजन को कहां पर चुनौती दी जा सकती है तो सबसे पहले एनसीएलटी क्वासी जुडिशियल बॉडी है अर्ध न्यायिक संस्था और संवैधानिक संस्था है मींस कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको स्थापना की गई है इसीलिए क्या है एक संवैधानिक संस्था आईबीसी तो 2016 के तहत ये निर्णय देने के लिए इसको ऑथराइज किया गया है इसके निर्णय की अपील कहाँ की जा सकती है एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलिट ट्रिब्यूनल मींस राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण तो ये जो है अपीलीय प्राधिकरण है इसमें जाके ये भी संविधानिक सांविधिक निकाय मतलब स्टेटरी बॉडी ये भी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत स्थापित की गई है और इसमें कहा गया है कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत एन सी एल जो है उसके निर्णयों के खिलाफ यहाँ अपील की जा सकती है मान लो किसी कंपनी को बेचने का फरमान सुना दिया एन ने तो वो कंपनी यहाँ जाके अपील कर सकती है कि साहब ये जो निर्णय सुनाया एन ने हम इसके खिलाफ है हम अपनी कंपनी को नहीं बेचना चाहते अगर एन ने फिर निर्णय दिया तो इसका अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है और इसी कारण हमारे यहाँ पर कोई से विवाद कई सालों तक दस दस साल तक चलते रहते हैं एक बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड में यह कहा गया है कि मैक्सिमम जो मुकदमा चलेगा वो कितने दिन चलेगा 330 दिन पहले 270 दिन था अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया 330 दिन तो ये आप याद रखना

प्रिवेंशन का आप बोल सकते हो कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल दोनों लगभग एक ही बात है किसको वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए एक एक्ट बना था 1974 उसके तहत इसकी स्थापना की गई हेड कौन होता है इसका चेयरमैन ये चेयरमैन आप लगभग हर संस्था का लगभग याद रखना कि उसका एक अलग से चेयरमैन होता है अदरवाइज क्या होता है यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए दे देती है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का सेक्रेटरी इसका हेड होगा मतलब प्रमुख होता है लेकिन ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसका हेड अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन के रूप में नियुक्त करती है अब इसका कार्य क्या है प्रमोट क्लीननेस स्ट्रीम एंड वेल्स मतलब और जितने भी जो जल जल राशियां हैं उनकी मतलब जल के नाले हैं उनका सफाई करना एयर पोल्यूशन को रोकना वाटर पोल्यूशन को रोकना नॉइज पोल्यूशन को रोकना अब लगता क्या है कि क्या पता है एक ही काम करेगा क्योंकि इसकी स्थापना वाटर के एक्ट के द्वारा हुई तो ऐसा लगता है कि वाटर पोल्यूशन को रोकोगे लेकिन ऐसी बात नहीं है जल को भी रोकेगा वायु प्रदूषण को भी रोकेगा और ध्वनि प्रदूषण को भी रोकेगा साथ में म्यूनिसपल सोलिड वेस्ट है जो सीवेज ट्रीटमेंट करना है उसको भी ये रूल बनाता है तो ये थोड़ा सा याद रखना अब देखो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कोस्ट एंड प्राइजेस ये कमीशन नाइनटीन में स्थापना हुई इसकी ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है मतलब टेक्निकल बॉडी है ना तो ये संविधानिक बॉडी है ना ये साविधिक बॉडी है ये कुछ नहीं है ये केवल एक क्या है एक ऑर्डर के द्वारा बनाई गई अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर काम करती है इसका चेयरपर्सन इसका एक अलग से चेयरपर्सन होता है फिर मैं इसलिए बोल रहा हूँ चेयरपर्सन की आप इसमें कंफ्यूजन नहीं हो नहीं तो गो यूपीएससी फिर लिख देता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का सचिव ही जबकि सचिव नहीं अलग से चेयरमैन नियुक्त किया जाता है यह सिफारिश करता है एमएसपी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए सरकार को जो कि एक सलाहकारी काम होता है बाध्यकारी नहीं मींस एमएसपी क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स कि कोई भी सीजन है अगर मान लो मक्का हमको खरीफ सीजन में उगाना है, मतलब बारिश के सीजन में और हमको ये कहा गया पहले किसानों को ये बोल दिया जाता है कि मिनिमम इतने प्राइस में आपकी जो क्रोप है उसको इतने टन में हम खरीद लेंगे इतना क्विंटल पर के हिसाब से हम खरीद लेंगे जैसे मान लो बोल दिया कि ढाई सौ रुपए मतलब ढाई ढाई हजार रुपए पर क्विंटल के आपसे हम खरीद लेंगे तो बाद में मार्केट में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है ज़्यादा आ जाता है किसानों का और मार्केट में प्राइस मान लो दो हज़ार हो जाते हैं तो गवर्नमेंट अपने ढाई हज़ार लेके उसको खरीद लेगी इससे फ़ायदा क्या होता है कि किसानों की इनम इनकम फिक्स रहती है साथ में ही मार्केट में जो प्राइज़ है वो लो नहीं होते हैं कार्य क्या है एम एस एम एस पी की रिकमेंडेशन किसको बोलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजती है तो ये रिकमेंडेशन देती है जो फाइनल एमएसपी का डिसीजन है वो कौन कौन करता करता है Affairs, करता है कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स जिसको चेयर प्रधानमंत्री साहब अभी कितनी क्रोप की करता है तो सेवन एंड सेवन फोर्टीन एंड फाइव नाइनटीन एंड चार ये तो ट्वेंटी थ्री जो क्रोप रहती है उनके लिए क्या करता है एमएसपी की घोषणा करता है तो सीरियल्स में क्या क्या है पेडी मतलब चावल गेहूं मेज सोरगम मतलब ज्वार पर्ल मिल मतलब बाजरा मतलब मतलब पार्ले मतलब जो सोरगम मतलब ज्वार मतलब रागी पल्स में ग्राम तूर मूंग उड़द एंड सेवन में है ऑयल सीड कौन से ग्राउंडनट सोयाबीन सनफ्लावर एंड एंड नाइगर सीड मस्टर्ड फोर्थ है कॉमर्शियल क्रॉप जिसमें खोपरा मिस कोकोनट शुगर केन कोटन रोज जूट तो ये जो ट्वेंटी थ्री क्रॉप है उनका कौन क्या करता है एमएसपी निर्धारित करता है गवर्नमेंट किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर सी ए की रिकमेंडेशन के आधार पर अब हम देखते हैं कि यहां हमारा जो एम दिया, दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है वर्तमान में एमएसपी मैंने बताया कि एमएसपी होता क्या है तो एक किसानों की एक मिनिमम जो आई है उसको फिक्स करने के लिए ताकि मार्केट में कभी पैसा मार्केट में अगर दाम कम हो जाए अचानक ज्यादा प्रोडक्शन के कारण तो उनकी एक सिक्योरिटी रहे और इसी कारण किसान हमेशा अच्छा उत्पादन करता रहे हमारा फूड सिक्योरिटी बना रहे तो वर्तमान में जो एम निर्धारण होता है वो कैसे होता है ए टू प्लस एफ एल का मतलब होता है जितना भी एग्रीकल्चर कोस्ट जो लगती है जैसे बीज है उर्वरक है कीटनाशक है मजदूरी है मशीन किराया है बीज मतलब सीड फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड एंड जितना भी आपका वेज इंसेकटिस है और उसके बाद मशीन का किराया जो भी लगता है साथ में एफ एल का मतलब है फैमिली लेबर तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कोस्ट प्लस फैमिली लेबर दोनों को इंक्लूड किया जाता है सी टू कोस्ट हमेशा ऐसा बोला जाता है कि प्लीज गवर्नमेंट आप सी टू कोस्ट दो हमको ऐसा किसने बोला एम एस स्वामीनाथन जो कमीशन था एग्रीकल्चर कमीशन उसके लिए बनाया गया था उसने बोला कि आप ए टू प्लस एफ एल कोस्ट की जगह एमएसपी का निर्धारण सी टू कोस्ट के द्वारा करो इसका मतलब यह हो गया कि साथ में आप भूमि का किराया भी जोड़ो क्योंकि कई बार किसान क्या होता है एक किराए से भूमि का टुकड़ा लेता है और उस पर क्या करता है एग्रीकल्चर तो वो क्या है अपनी फैमिली लेबर भी लगाता है एग्रीकल्चर कोस्ट भी देता है लेकिन भूमि का किराया यहाँ नहीं जोड़ते हो आप तो प्लीज आप भूमि का किराया भी जोड़ो कि भूमि का किराया वो कितना दे रहा है और एक प्रॉब्लम जो इंडिया के एग्रीकल्चर में है, वो शांता कुमारों का लाभ केवल किसान ले पा रहे हैं तो तो एक बड़ी बात है हम तो किसानों का जो दायरा है वो हम कैसे भी बढ़ाएं जागरूकता के द्वारा टॉपिक है जो ऑलरेडी कवर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये क्या है हमको पता है नाइनटीन में जी देशों के द्वारा स्थापित की, की गई ये यूएन की संस्था ने इसका कार्य कहता टेरर फाइनेंसिंग को रोकना साथ में दूसरा इसका जो मेन काम था टेरर फाइनेंसिंग के अलावा वो था मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना मतलब गलत तरीके से जो पैसा कमाया जाता है उसको इकोनॉमी में डालने से रोकना तो ये हमको याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूएन की संस्था नहीं है और भारत का मेंबर है दैट्स अब देखो यहां पर ब्लैक सी हाँ ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ये क्या है केवल और केवल दिल्ली के लिए स्टार्ट किया गया है ये इसमें क्या होता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक संस्था का निर्माण किया गया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ऑथॉरिटी उसके द्वारा ये कहा गया कि जब भी यहाँ की जयपुर में मीन्स मींस न्यू दिल्ली में जब जो एयर है उसमें पीएम पार्टिकल जो रहते हैं वो दो टू पॉइंट फाइव वाले और पार्टिकल मैटर टेन वाले मतलब साइज ए पार्टिकल्स की हवा में जो धूल के कण रहते हैं वो अगर एक मात्रा से ज़्यादा हो जाए मीन्स जो हमने छ कैटेगरी बना रखी है कि इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसमें से जब वो एक पर्टिकुलर मात्रा से ज़्यादा हो जाए जिसमें आता है एक सीवियर और एक बैड मीन्स तो इस कंडीशन में जब चला जाएगा तो क्या करेगा ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया जाएगा जिसमें ओड इवन है जितने भी आपके ईट के भट्ठे हैं उनको बंद करवा दिया जाएगा थोड़ी दिन के लिए कंस्ट्रक्शन जो है वो काम रुकवा दिया जाएगा साथ में जो होटल्स हैं उनमें कोल जो है उसके द्वारा जो चूल्हे जलाए जाते हैं वो तो ये क्या है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान अब देखो ब्लैक सी रेड सी एंड कैस्पियन सी तो इससे कौन कौन जुड़ता है तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लैक सी तो ब्लैक सी के ऊपर की तरफ रशिया और एक यूक्रेन बगल में जो है लेफ्ट साइड में वो है रोमानिया एंड बुल्गारिया और नीचे है तुर्की एंड इधर साइड में जोर्जिया राइट साइड में तो आप इसको ध्यान रखना कि केवल छह देश ब्लैक सी को टच करते हैं साथ में हम ये मैप भी देखेंगे कैस्पियन सी का एंड रेड सी का तो रेड सी से कौन कौन जुड़ता है देखो सऊदी अरब है यमन है जॉर्डन है इजराइल है चार देश तो इधर के मीन्स वेस्टर्न एशिया के और एक है जो अफ्रीका के जो है उसमें चार देश आते हैं इजिप्ट इरिट्रिया उसके बाद जिबूती एंड सोमालिया तो सोमालिया का भी कई बार रेड सी का एक्सटेंशन है तो ऐसे करके चार देश ये और चार देश ये आठ देश क्या है रेड सी की बाउंड्री को टच करते हैं अब देखते हैं कैस्पियन सी तो कैस्पियन सी में एक है तुर्कमेनिस्तान एक है ईरान नीचे की तरफ ईरान बगल में तुर्कमेनिस्तान एंड कजाकिस्तान के टी एंड ऊपर रसिया एंड अजरबैजान तो दो चार और पांच देश कैस्पियन सी को कवर करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको थोड़ा सा याद रखना साथ में जो अराल सी है उसका आप याद रखना कि देखो यहाँ पर अराल सी है अराल सी के ऊपर है कजाकिस्तान और नीचे है उज्बेकिस्तान ये थोड़ा सा मैंने काट दिया था लेकिन आप इसको याद रखना कि नीचे जो कटा हुआ है ये कौन सा है उज्बेकिस्तान नीचे तो अराल सी जो है वो केवल दो के तहत यूके कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ये थोड़ा आप याद रखना कैसपिन सा, सागर में पांच जो आपका रेड सी है उससे आठ देश लगते हैं और जो छह देश है वो किससे लगते हैं ब्लैक सी से अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ये 2018 का क्वेश्चन है ये इंग्लिश में क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स इंग्लिश का पेपर था तो उससे मैंने

अतिक्रमण है इस टाइप से तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो एनजीटी था वो हमको पता है कि एनजीटी क्या काम करता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये एनवायरमेंट से संबंधित जितने भी विवाद है उनका निपटारा करता है और एनजीटी की स्थापना एक एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा हुई तो जब भी किसी एक्ट के द्वारा किसी की स्थापना होती है तो वो क्या रहता है एक सांविधिक संस्था ये इतना हमको याद रहना चाहिए ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यह हमको पता है कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट टू के तहत इसकी स्थापना हुई तो यह भी क्या हो जाएगा एक सांविधिक संस्था तो दोनों ही संस्था हो गई अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है द एनजीटी हैज बीन एन एक्ट एंड वेयर इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज बीन क्रिएटेड बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट देखो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा नहीं दोनों की स्थापना एक एक्ट एक के तहत हुई है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा ओके सेकंड देखते हैं द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स वेयर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड प्रमोट्स द क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स वेल्स एम्स टू प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री हाँ तो बिल्कुल एयर की क्वालिटी में एयर पोल्यूशन को कम करना सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एम है साथ में कुएं जो रहते हैं और जो जितने भी झरने रहते हैं उनको साफ करना भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है और एनजीटी का काम क्या है एनवायरमेंटल जस्टिस मीन्स जो पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं उनको लेकर जो जस्टिस दिया जाता है न्याय दिया जाता है वो काम किसका एनजीटी का तो सेकंड एकदम सही है फर्स्ट इसमें गलत हो जाएगा तो इसमें ऑप्शन है अबो इज द करोट करेक्ट तो केवल और केवल क्या हो गया दो तो ये क्वेश्चन एनवायरमेंट से आ गया क्वेश्चन तो आप ये याद रखना क्वेश्चन ये भी दो का ही है इसमें दे रखा है सुपारी जो कॉफी रागी मूंगफली तिल हल्दी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने की है तो उपयुक्त में से किसके कौन-कौन से ऐसे हैं जिनका न्यूनतम समर्थन मूल्य की आर्थ मतलब कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक है तो इस टाइप की क्वेश्चन कॉफी तो भी नहीं किया जाता साथ में हल्दी भी नहीं तो इतना है, one, three, तो हमको पता नहीं कि कौन करता है या नहीं करता नॉट ए इंपॉर्टेंट पार्ट हमको यह देखना कि वन सेवन एंड थ्री यह मैंने पढ़ा नहीं था तो हम वन थ्री एंड सेवन किस किस में है तो वन पहले में भी है सी थ्री में भी है वन और वन डी में भी है तो अगर एक भी पता है आपको कोई सा भी कि सुपारी नहीं था कॉफी देखते हैं किस किस में कॉफी ए में भी है कॉफी सी में भी है कॉफी डी में भी है तो यहां से भी निकाल सकते हैं और सेवन सेवन से भी दो निकाल तो इस टाइप से क्वेश्चन आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी कर सकते हो अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आपका मेंस का है इसको हम देखते हैं कि ये देखो 2018 का क्वेश्चन है ये क्या पूछा है न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं तो एकदम क्वेश्चन इजी है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों का निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा व्हाट डू यू मीन बाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस हाउ विल एमएसपी रेस्क्यू द लो इनकम ट्रैप मतलब जो फार्मर्स की लो इनकम रहती है उसको कैसे काउंटर किया जाए तो देखो एमएसपी से आप क्या समझते हो यहाँ क्या लिखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले ये लिखेंगे एमएसपी क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो वह न्यूनतम मूल्य किसी भी क्रोप का जो एक, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फाइनली लागू करती है किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर सी एस सी पी की पेयर और ये निश्चित करती है कि किसानों को जो अपनी जो वो है एक अपनी क्रोप है उसको एक न्यूनतम क्या दिया जाएगा मूल्य दिया जाएगा जब बार मार्केट में कमी हो जाएगी एमएसपी से कम दाम होने पर तो इस टाइप से आप कर सकते हो कि यह एक ऐसा मूल्य है जो किसानों को मार्केट में उससे कम दाम होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है तो एमएसपी निर्धारण कौन करता है फाइनल निर्धारण कौन करता है रिकमेंडेशन कौन करता है यह आप लिख सकते हो साथ में यह लिख सकते हो कि इसमें किस आधार पर निर्धारण किया जाता है ए टू प्लस एफ एल के आधार पर सिफारिश की जाती है तो इसमें क्या क्या शामिल है ए टू में एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड एफ एल मतलब फैमिली लेबर फैमिली लेबर का मतलब ये होता है कि किसान के खेत में जो काम करते हैं खुद के परिवार के सदस्य तो उनका भी डेली कितना मतलब मजदूरी होना चाहिए उसको भी जोड़ दिया जाता है अब न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषकों को निम्न आय फंदे से किस प्रकार बचाव करेगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो कम जो इनकम कम जो लो हो जाता है प्राइजेज तो उससे एक इफेक्टिव प्राइस देता है किसको किसानों को और किसान सीजन से पहले ये डिसाइड कर सकता है कि देखो गवर्नमेंट ने सीजन स्टार्ट होने से पहले ही जैसे खरीफ का सीजन है बारिश का तो ये सोइंग होने से पहले ही लागू कर दिया जाता है क्या एमएसपी तो पहले डिसाइड कर सकता है कि किस क्रॉप को मैं उगाऊं तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा और किसान की इनकम एक फिक्स हो सकती है जिससे वो क्या है जो निम्न भाई... आय का फाइ फंदा है उससे बाहर निकल सकता है लेकिन साथ में आपको ये भी देना पड़ेगा निष्कर्ष में कि गवर्नमेंट ने आज तक और किसानों के लिए एमएसपी के अलावा कौन कौन सी सुविधाएं ला रखी है लेकिन उनका भरपूर किसान क्यों नहीं फायदा उठा रा पा रहे हैं तो शांता कुमार कमेटी को यहाँ डाल सकते हो कि शांता कुमार कमेटी जो थी उसने ये रिकमेंडेशन की थी उन रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लागू करना चाहिए साथ में ये कि गवर्नमेंट ने और फंदों से बचाने के लिए क्या क्या जैसे सोयल हेल्थ कार्ड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है प्रधानमंत्री फसल संपदा योजना है किसान संपदा योजना है प्रधानमंत्री जो आपकी है किसान सम्मान निधि जो योजना है ये सब भी लिखोगे कि इनको केवल अब अच्छे से इंप्लीमेंट करना है साथ में किसानों को अवेयर फैलाना है ये सब मिलकर क्या कर सकते हैं किसानों को निम्न आय फंदे से बचा सकते बचा सकते हैं सॉरी कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा हो गया था तो ये तो मैंने जो बोला आपने सुनी दिया तो न्यूनतम जो एमएसपी है इसका जो क्वेश्चन है आप पहले क्या करोगे एक इंट्रो करोगे फिर न्यूनतम जो मूल्य है उसको कैसे बचा सकते हैं तो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लिखोगे और बाकी फिर कंक्लूजन में ऐसे लिख दोगे तो सब इससे क्या होगा कि एमएसपी के बारे में तो आप जानते हो साथ में गवर्नमेंट की और स्कीम के बारे में आप जानते हो ये एग्जामिनर के पास एक अच्छा संदेश चला जाएगा तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को अटैम्प कर सकते हो तो माई डियर फ्रेंड्स आज हमने एक तो एमएसपी के ऊपर जो 2018 में क्वेश्चन पूछा था 2018 में ही मेंस में भी क्वेश्चन पूछ दिया तो देखो प्री में भी क्वेश्चन पूछ देता है मेंस में पूछ देता है साथ में एनजीटी एंड सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो यह आपको हमेशा याद रखना है कि कौन सी साविदिक बॉडी है कौन सी सावुदिक बॉडी नहीं है और साथ में ही रेड सी कैस्पियन सी

करना तो माई डियर फ्रेंड्स हमारा न्यूज़ एक दिन लेट आता है तो इसमें थोड़ा सा आप ये लिखने वाला सेशन है तो थोड़ा सा बनाने में टाइम लगता है तो धीरे धीरे आप इसमें हैबिचुअल हो जाओगे और जो डेली का जो न्यूज एनालिसिस है मैंने पहले भी बोला आप अमन सर का जो है द हिंदू एनालिसिस आप एक बार उसको देखना फॉलो करने की कोशिश करना सर काफ़ी अच्छा एनालिसिस करवाते हैं द हिंदू का बहुत मेहनत के साथ तो आप उसको फॉलो कर सकते हो तो फॉर टू न्यूज़ न्यूज़ डिस्कशन थैंक यू वेरी मच आप इसको फॉलो करने की कोशिश करना एंड अपने खुद के नोट्स आप जनरेट करने की कोशिश करना तब जाके आपको इन सेशन का भरपूर फायदा मिलेगा तो माई डियर फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर टूडे सेशन थैंक यू